फाइनली गाइस, जवान का प्रीव्यू रिलीज हो गया है और ये मैंने नहीं पूरे इंडिया ने क्या देख लिया। ये तो हमने सिर्फ सुना ही था कि इंतजार का फल मीठा होता है, पर आज देख भी लिया। कुछ दिन पहले सलार का टीजर आया और उसने 2 दिन में 100 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए थे, लेकिन ऑडियंस उसको भूलने वाली है क्योंकि SRK इज बैक। पठान तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो जवान है। लिटरली गाइज, अब बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। इस प्रीव्यू में ही SRK के हमें बहुत से लुक देखने को मिल चुके हैं, और ये सारे लुक कैसे हैं पुष्पा भाऊ? प्रीव्यू की बात करें तो एटली कुमार के डायरेक्शन में कोई आके सवाल उठा दे ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी पिछली कोई फिल्म देख लो, उनका रिकॉर्ड ब्लॉकबस्टर है। प्रीव्यू के शुरुआत में ही हमें जो लाइन सुनने को मिलती है, मैं कौन हूँ कौन नहीं पता नहीं, माँ को किया वादा हूँ या अधूरा एक इरादा, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, पुण्य हूँ या पाप हूँ, ये खुद से पूछना क्योंकि मैं भी आप हूँ। ये लाइन सुनकर लिटरली गाइस गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। और ये तो शुरुआत के सिर्फ 40 सेकंड्स थे, आगे तो बवाल मचा हुआ था। इस प्रीव्यू की जान बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो इस प्रीव्यू को 7वें आसमान पर पहुँचा रहा था। शाहरुख खान की एंट्री पर जो इंग्लिश सॉन्ग सुनने को मिलता है, लिटरली गाइस उससे दिल को सुकून मिलता है। प्रीव्यू में हमें नयनतारा और दीपिका पादुकोण के कुछ ज्यादा सीन्स तो नहीं बताए, पर जितने भी दिखाए दोनों बॉम्ब लग रही थी। शाहरुख खान इस फिल्म में हीरो है या विलन कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रीव्यू के लास्ट के 40 सेकंड में ये बता दिया कि जब शाहरुख खान विलन बनेंगे तो कोई हीरो उनके सामने टिक नहीं पाएगा। तभी तो पूरी ट्रेन को अपने कब्जे में लेकर बड़े आराम से डांस कर रहे थे। इस प्रीव्यू की जो सबसे खास बात मुझे लगी, जब शाहरुख खान ये बोलते हैं, ये तो शुरुआत है। शुरुआत है मतलब क्या, जवान भी 2 पार्ट्स में रिलीज होगी? अगर ऐसा सच में हुआ ना गाइस, तो 7 सितंबर को इंडियन ऑडियंस लिटरली पागल होने वाली है। अब जवान 2 पार्ट्स में आएगी या नहीं, ये तो हमें 7 सितंबर को थिएटर में पता चल जाएगा। जवान का प्रीव्यू देखकर किस किस को मजा आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के रिव्यू में इतना ही, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यू के लिए फिल्मीवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।